विकास और सुशासन का दम भरने वाली समाजवादी पार्टी के शासन में गरीबों और कमजोरों का किस कदर शोषण और उत्पीड़न हो रहा है, इसकी एक बानगी ग्राम सभा पैवनपुर विकास खंड में देखने को मिला, जहां अपनी पहुंच के बल पर पात्र गरीब जनता को मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ अपात्रों को खुलेआम बांटा जा रहा है और शासन प्रशासन मौन है। ग्राम सभा पैवनपुर विकास खंड पेपरौली की जनता के साथ जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह राणा ने बताया कि इस ग्राम सभा के सेक्रेटरी और प्रधान की मिलीभगत से गरीब और पात्र जनता को दिया जाने वाला लोहिया आवास खुलेआम अपात्रों और सबल लोगों को आवंटित किया जा रहा है और इसे सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हमारे संवाददाता से वार्ता करते हुए राजद के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह राणा ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को बार बार मामले से अवगत कराने के बाद भी वह चुप्पी साधे बैठे हैं। एक पिपरौली ग्राम सभा है गोरखपुर का, जो सहजनवा से लगा हुआ है, वहाँ ग्राम सभा पेवनपुर है। लोहिया आवास योजना के तहत वहाँ लाखों रुपए आया। वहाँ का प्रधान और सेक्रेटरी वर्तमान वहाँ के गरीबों को लोहिया आवास न दे करके, जिनके पास कोठा और मजबूत मजबूत गाड़ियाँ है और चीजों से लैस है, उनको गरीबों का आवास छीन करके मजबूत लोगों को आवास दे दिया गया। इन्हीं सब के विरोध में आज हम लोग जिलाधिकारी के कार्यालय पर धरना दे करके माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि ये संपूर्ण मामले की जांच करके सेक्रेटरी और वर्तमान प्रधान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि गरीबों को न्याय मिल सके जो लोहिया के सच्चे अनुयायी हैं।